नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं ध्रुवनाथ पांडे, आपका अपना दोस्त, आपके अपने चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी कंपनी के कलर टीवी में इस तरह का जो रिट्रेस लाइन का प्रॉब्लम आता है उसे कैसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये प्रॉब्लम किन किन रीजनों से क्रिएट होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बारी बारी से सभी रीजन का डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से करना चाहूँगा रिक्वेस्ट, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें, और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपका समय को ना गंवाते हुए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के साथ। तो दोस्तों किसी भी कलर टीवी में जो रिट्रेस लाइन का प्रॉब्लम आता है उसमें से एक रीजन 180 वोल्ट का होता है जो कि फ्लैशबैक ट्रांसफार्मर से निकलकर हमारा बेस पे जाता है। और दोस्तों ये बेस पे जो है तीन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिसे 180 वोल्ट ड्राइव करता है। अगर ये वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलेगा तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे 180 वोल्ट चेक करना होता है। और ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये 10 mF 250 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसके ख़राब होने से भी हमारा 180 वोल्ट प्रॉपर नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में हमें ये कैपेसिटर बदलना होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ बेस पर भी वोल्टेज चेक करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा वायर भी ख़राब हो जाता है तो 180 वोल्ट बेस पे नहीं आएगा। दूसरा रीज़न होता है ये बेस पे लगे ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हो जाएगा तो 180 वोल्ट ड्रॉप करेगा। किसी किसी टीवी में यहाँ पे ट्रांजिस्टर के जगह आईसी लगे होते हैं तो हमें आईसी को भी बदल के देखना होगा। और दोस्तों तीसरा रीज़न ये जो सिस्टम आईसी आप देख रहे हैं इसमें से कुछ सप्लाई जैक द्वारा ये बेस पे जाता है तो ये वायर को भी चेक करना होता है। और दोस्तों चौथा रीज़न ये हमारा फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर भी होता है, अगर ये ट्रांसफार्मर 180 वोल्ट नहीं आउट करेगा तो ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। और दोस्तों पांचवा रीज़न ये हमारा सिस्टम आईसी भी ख़राब होने से रिट्रेस लाइन का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और दोस्तों रिट्रेस लाइन आने का एक और रीज़न बन सकता है ये हमारा पिक्चर ट्यूब। पिक्चर ट्यूब में तीन कैथोड गन होते हैं, एक रेड, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू। ये तीनों गन मिलकर ही सारे कलर को तैयार करते हैं और अगर ये गन आपस में शॉर्ट हो जाएगा तो भी हमारा पिक्चर ट्यूब पर रिट्रेस लाइन दिखेगा। तो इस कंडीशन में हमें एक बार पिक्चर ट्यूब को चार्ज करके देखना पड़ता है। और दोस्तों ये जो टीवी आप देख रहे हैं इसमें जो प्रॉब्लम था वो ये हमारा सिस्टम आईसी का कुछ पिन जो है ड्राई सोल्डर था, तो मैंने ये जो पिन है उस पर दोबारा से रिसोल्ड किया तो हमारा प्रॉब्लम सूट आउट हो गया। और दोस्तों मैं आपको सजेशन देता हूँ कि जब भी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिखे तो सबसे पहले पूरे किट में ड्राई सोल्डर को देखें और जहाँ जहाँ आपको ड्राई सोल्डर लगे उसको रिसोल्ड करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो टीवी में हमारा रिट्रेस लाइन आ रहा था वो भी ठीक हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।